सब क्या है आंटी? घर में क्या हुआ है? ये खून कैसा है आंटी? माम कहाँ है आंटी? आप ठीक तो हैं? ये खून कैसा है आंटी? तबीयत तो आपकी खराब हुई थी ना, आपको हार्ट अटैक हुआ था, फिर ये सब कुत्सिया को अचानक क्या हो गया? किसी ने मारा है क्या उसे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही आंटी? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? माम कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए आंटी, माम कहाँ है? कहाँ है वो? आप लोगों ने उसे मार दिया है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? आंटी तो शदीद सदमे में है, कुछ बोली नहीं रही। आप ही बता दें क्या हुआ है यहाँ? आप ही माम को अपने शौहर के साथ लेकर आई थी ना, कहाँ है माम? आपके शौहर ने झूठ बोला था माम से कि आंटी को हार्ट अटैक हुआ है, झूठ बोला था, धोखा दिया था आप लोगों ने। आप लोगों को इसका कोई हक नहीं पहुंचता था। और अब ये खून, मुझे बताइए ये खून किसका है, वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हमारे घर की लड़की भगा कर लेकर हमारे घर में झगड़ा डाल दिया, मेरी माँ को इस हाल तक पहुंचा दिया कि वो अपने होश आवाज खो बैठती है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए माहम कुत्सिया को मौत के मुंह में धक्का देकर गई थी। हमें नहीं मालूम कि माहम तुम्हारे पास है। निकाह तो हो गया होगा ना तुम दोनों को? जाकर उसे बता देना कि माहम की वजह से आज कुत्सिया मौत के मुंह में पड़ी है। और ये जो खून देख रहे हो ना तुम, ये कुत्सिया का खून है। याद रखना कि अगर कुत्सिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और माहम को छोड़ूंगी नहीं, जेल भेज दूंगी तुम दोनों को। जेल तो मैं आपके शौहर को पहुंचाऊंगा। एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद कर दी उस शख्स ने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, वरना मैं अपने शौहर को बुला लूंगी। माहम कहाँ है? कहीं आपके शौहर ने उसे मार तो नहीं दिया? कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तो लगता है यहाँ जो कुछ भी हुआ आपके शौहर ने किया। आप उसे बता दीजिएगा कि अगर माहम नहीं मिली तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। हमें क्या पता कि माहम कहाँ है? तुम्हारे लिए तो माहम कुत्सिया को धक्का देकर भागी थी ना, और तुम यहाँ आकर ड्रामेबाजियां कर रहे हो। माहम का तो खून सफेद हो गया है, जाकर उसे बता देना कि उसकी वजह से कुत्सिया मौत के मुंह में पड़ी है। माहम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मगर शाहनवाज नहीं बच सके। ये बता दीजिएगा अपने शौहर को।